गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में। यह चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। पिछले दो पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं भूगोल क्या है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था भूगोल की डेफिनेशन के बारे में हमने जाना था। फिर हमने पढ़ा था भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। फिर हमने जाना था भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भौतिक भूगोल यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है और प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंसेस एक लिंक से किस तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए, भौतिक भूगोल के अंदर आपने जाना था कि किस तरह से नेचुरल साइंस के अलग अलग पार्ट भौतिक भूगोल के अंदर कवर होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था, फोर्थ टॉपिक था हमारा भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। इसके अंदर हमने जाना था कि ज्योग्राफी किस तरह से सोशल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट से लिंक करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, किस तरह से भूगोल से जुड़ करके ये आर्थिक भूगोल बन जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था जो इतिहास है, जो कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस का ही एक सब्जेक्ट है, इतिहास किस तरह से भूगोल से जुड़कर ऐतिहासिक भूगोल बन जाता है। तो फिर आपने अगर ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और इन सारी वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्रमबद्ध विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड। फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विधि, रीजनल अप्रोच। फिर इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। चलिए फिर जानते हैं क्रमबद्ध विधि के बारे में। चलिए फिर देखिए, क्रमबद्ध विधि या फिर प्रादेशिक विधि को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है और मैंने आपको उस प्रोजेक्ट में कहा कि आप अलग अलग फील्ड में जाइए और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं उनके बारे में आप रिसर्च कीजिए और मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। तो फिर आपका जो जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, चलिए सर ठीक है, हम उस फील्ड में जाएंगे और हम एक उस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे जो भी आपने टॉपिक को ऊपर दिया है। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर वो जो हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसके लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो रिसर्च है वो कैसे की जाती है। तो देखिए, ज्योग्राफी के ऊपर जो भी रिसर्च करी जाती है, ज्योग्राफी के अंदर जो भी आपको टॉपिक दिए जाएंगे और उन टॉपिक के बेस पर आप जो भी रिसर्च करेंगे वो दो मेथड पर होती है। ठीक है, पहला मेथड होता है क्रमबद्ध विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। और इस मेथड का जो सबसे पहला जो यूज़ किया था, ये किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे जर्मनी के ये रहने वाले थे। तो आप क्रमबद्ध विधि से आप भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है प्रादेशिक विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल मेथड। इसका जो सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो किया गया था जर्मनी के कार्ल रिटर ने। ठीक है, तो फिर आपके पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जवाब मिल चुका है। जब भी आपको ज्योग्राफी के अंदर कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो रिसर्च करेंगे वो दो ही मेथड पे करेंगे। पहला मेथड हो सकता है क्रमबद्ध विधि का और दूसरा हो सकता है प्रादेशिक विधि का। तो आपको ये तो पता चल गया, चलो ठीक है कि क्रमबद्ध विधि है, प्रादेशिक विधि, लेकिन ये यूज़ कैसे होता है। तो चलिए फिर जानते हैं हम पहले क्रमबद्ध विधि के बारे में। तो देखिए, ये है आपका क्रमबद्ध विधि। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को इसको क्लियर करते हैं। भूगोल के अध्ययन की क्रमबद्ध विधि में एक ही भौगोलिक कारक को लेकर समस्त विश्व के किसी भी भाग का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो क्रमबद्ध विधि की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम एक एक शब्द पकड़ करके चलते हैं। तो देखिए, पहली बात तो भूगोल का अध्ययन, ठीक है, इसके अंदर मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर जो भी रिसर्च होती है वो दो ही मेथड से होती है। पहला मेथड है सिस्टमैटिक मेथड और दूसरा है रीजनल मेथड। ठीक है, तो इस सिस्टमैटिक मेथड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
क्रमबद्ध विधि में एक ही भौगोलिक कारक। अब इस शब्द को आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, क्रमबद्ध विधि में एक ही भौगोलिक कारक। देखिए, जब भी आपको सिस्टमेटिक मेथड के बारे में कहा जाता है कि भाई इसको लेकर के आप क्या करो, रिसर्च करो, तो आपको इसके अंदर एक ही भौगोलिक कारक को आपको लेना है। अब आप यहाँ पर समझिए भौगोलिक कारक क्या होता है। तो देखिए, भौगोलिक कारक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो सकता है, मिट्टी के प्रकार हो सकते हैं, जलवायु हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से लेकर के समझाता हूँ। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और मैंने आपको सिर्फ एक भौगोलिक कारक दिया, वो भौगोलिक कारक क्या दे दिया, मैंने दे दिया पेट्रोलियम। मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया कि भाई आप पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे बताइए कि पेट्रोलियम कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और मैंने कहा कि आप सिर्फ एक पेट्रोलियम को लीजिए और पूरे वर्ल्ड में पता लगाइए कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किन किन देशों में मिलता है। ठीक है, तो देखिए पेट्रोलियम क्या हो गया, ये सिर्फ एक कारक होगा, एक भौगोलिक कारक हो गया। इस पेट्रोलियम की जगह आप और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि आप आयरन ले सकते हो, ठीक है, आप जलवायु ले सकते हो, आप किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन ले सकते हो, कोई वनस्पति ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो भौगोलिक कारक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भौगोलिक कारक लिया पेट्रोलियम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि आप पेट्रोलियम को लीजिए और पता लगाइए कि पूरे विश्व में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिस्टमैटिक। अब आगे बढ़ते हैं कि भौगोलिक कारक आपको समझ में आ गया होगा, एक ही भौगोलिक कारक को लेकर समस्त विश्व के किसी भी भाग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तब फिर सिस्टमैटिक मेथड के अंदर क्या हुआ कि आपको एक ही भौगोलिक कारक को लेना है और उस भौगोलिक कारक को लेकर के क्या करने, रिसर्च करने हैं। जैसे कि आपको मैंने अगर पेट्रोलियम का प्रोजेक्ट दिया है तो फिर आपका आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता लगाना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर विश्व भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर एक देश भी हो सकता है, और इस देश के बदले यहाँ पर एक छोटा सा कोई कस्बा, कोई जिला या फिर कोई शहर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमैटिक मेथड के अंदर हम एक किसी भौगोलिक कारक को लेकर के ही चलते हैं, हम एक से ज़्यादा को लेकर के नहीं चलते। स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है कि आपको सिर्फ एक ही भौगोलिक कारक को लेकर के चलना है। अगर आप पेट्रोलियम के अलावा दूसरा भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मृदा के प्रकार को लेकर के, मान के चलिए कि आपको भारतीय सरकार ने एक प्रोजेक्ट दिया और आपसे कहा गया कि भाई पूरे भारत देश के अंदर कितनी प्रकार की मिट्टी है इसका पता लगाइए, और उस मिट्टी को एक क्या कीजिए, जितने भी प्रकार की मिट्टी है उसको एक लिस्ट वाइज आप हमको दीजिए, और उस लिस्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, मिट्टी के प्रकार के साथ साथ उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि किन किन शहरों में किस किस प्रकार की मिट्टी है, और उस मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उस मिट्टी के अंदर सबसे बढ़िया फसल कौन सी उगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें किस में आ जाएगी, ये भी आ जाएगी क्रमबद्ध विधि में, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे पेट्रोलियम का भी एग्जाम्पल है, मैंने आपको मिट्टी का एग्जाम्पल दे दिया, और ऐसे ही जलवायु का भी एग्जाम्पल है। तो देखिए, कुल मिलाकर के बात है कि सिस्टमैटिक मेथड के अंदर आप सिर्फ एक ही भौगोलिक कारक को लेकर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना बहुत है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन का सबसे साधारण तरीका यह है कि पृथ्वी के तल की असमानताओं पर किसी एक भौगोलिक तत्व के बारे में विचार किया जाए। देखिए, यहाँ पर रिचर्ड हार्टशॉन भी अपनी एक डेफिनेशन दे रहे हैं, उस डेफिनेशन के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करें कि भाई क्रमबद्ध विधि क्या है। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी हम कुछ शब्दों को लेकर के चलेंगे और उन्हीं शब्दों से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के तल की असमानताओं पर। देखिए, आपको जैसे कि मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो एक समान नहीं है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मान के चलिए कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, आपको पता है कि पेट्रोलियम इंडिया के अंदर ना के बराबर मिलता है, इंडिया के अंदर इसकी उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन यही पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ पर है, कतर, दुबई, है ना, यानी कि मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर यहाँ पर पेट्रोलियम की सुविधा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर इन्हीं असमानताओं का अध्ययन करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, इन्हीं असमानताओं का अध्ययन करना होता है। ये असमानताएं किस चीज़ की है, ये असमानताएं हो सकती है मीठे पानी की असमानताएं हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह के मिनरल्स की असमानताएं हो सकती हैं, क्योंकि देखिए मीठा पानी भी हर जगह नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, ऐसे ही मिनरल्स भी हर जगह एक जैसी उपस्थिति में नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। तो इन असमानताओं को हमें क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तल की असमानताओं पर किसी एक भौगोलिक तत्व के बारे में विचार किया जाता है। अब देखिए असमानताएं तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम की भी असमानता है, मिट्टी की भी बहुत सारी असमानता है, जलवायु की भी असमानता है, मैंने अभी आपको कहा जो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की भी क्या है, बहुत सारी असमानता है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर बहुत कम है। तो इन सभी असमानताओं को एक साथ लेकर के ज्योग्राफी के अंदर रिसर्च करना आसान नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पर काम आता है क्रमबद्ध विधि। तब इस ये विधि क्या कहती है, आपको ये सभी असमानताएं एक साथ लेकर रिसर्च नहीं करनी, बल्कि इन सभी असमानताओं में से किसी एक असमानताओं को पकड़ो और उनके ऊपर क्या करो, विचार करो, उनके ऊपर अध्ययन करो। यहाँ पर रिचर्ड जो हार्टशॉन है यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि क्रमबद्ध विधि के अंदर क्या है, किसी एक भौगोलिक कारक को लेकर के क्या करना है, अध्ययन करना है। चलिए फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रमबद्ध विधि आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, चलिए फिर आइए समझते हैं प्रादेशिक विधि के बारे में। अब देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पर क्रमबद्ध विधि को पढ़ा, क्रमबद्ध विधि के अंदर आप सिर्फ एक भौगोलिक कारक को पढ़ेंगे, लेकिन प्रादेशिक विधि के अंदर आप एक से अधिक भौगोलिक कारक को पढ़ेंगे। चलिए ये समझते हैं कि प्रादेशिक विधि के अंदर आप किस तरह के से अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी भौगोलिक तत्वों को कहा गया है। पहले आप कह रहे थे कि सिर्फ एक भौगोलिक तत्व के बारे में आप अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर सभी भौगोलिक तत्वों के बारे में अध्ययन करने की कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को और ध्यान दीजिए, इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है, किसी एक प्रदेश का, किसी एक, आप जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट ने फिर से एक प्रोजेक्ट दिया और कहा गया है कि आपको कि भाई आप उत्तर प्रदेश जाइए और इस उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जितने भी भौगोलिक कारक हैं, इस उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जितने भी भौगोलिक कारक हैं, उन सबको आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिटेड चीज़ क्या है, यहाँ पर लिमिटेड चीज़ है जमीन, यानी कि किसी एक प्रदेश, ठीक है, जमीन यहाँ पर क्या है, लिमिटेड चीज़ है। लेकिन इस लिमिटेड चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, भौगोलिक तत्व। अब देखिए इस भौगोलिक तत्व के अंदर क्या आ जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर कितने टाइप के मिनरल्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में इसकी मिट्टी आ जाएगी, मिट्टी के साथ साथ इसके और भी तरह के संसाधन हैं, जैसे कि वनस्पति आ जाएगी, इसके अंदर जलवायु भी आ जाएगी। मतलब कि ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, भौगोलिक संसाधन हैं, वो सभी भौगोलिक संसाधन किसके अंदर आ जाएंगे, प्रादेशिक विधि के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, क्रमबद्ध विधि के अंदर, क्रमबद्ध विधि के अंदर लिमिटेड सोर्स क्या था, आप सिर्फ एक भौगोलिक कारक को लेकर के अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वही प्रादेशिक विधि के अंदर एक लिमिटेड सोर्स क्या है, वो है जगह, यानी कि सिर्फ एक प्रदेश, यानी कि सिर्फ
उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको सभी भौगोलिक तत्वों को क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए फिर आपको समझ में आ गया होगा, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ। प्रादेशिक विधि के अंदर एक पूरी जगह, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश मान लीजिए, आप जिस जगह पर रहते हैं वो मान लीजिए, दिल्ली मान लीजिए, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी भौगोलिक तत्व आएंगे उन सभी का अध्ययन हम प्रादेशिक विधि के अंदर करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो रीजनल अप्रोच होता है इसका जो बेस जो होता है वो होता है हमारी भौगोलिक इकाई। भौगोलिक इकाई जैसे मान के चलिए दिल्ली, दिल्ली ले लीजिए। ठीक है, दिल्ली क्या है, हमारी भौगोलिक इकाई। मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ दिल्ली के अंदर भौगोलिक तत्वों का अध्ययन कीजिए, तो इसका जो बेस, जो इसका जो मूल चीज़ क्या है इस विधि की, वो मूल चीज़ है ये भौगोलिक इकाई। आप सिर्फ इसके अंदर एक भौगोलिक इकाई को लेकर के अध्ययन करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह अध्ययन किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्रमबद्ध विधि के अंदर क्या मानव का हस्तक्षेप है, तो हाँ, इनडायरेक्टली है, क्योंकि ऐसी कोई भी ज्योग्राफी के अंदर चीज नहीं है जिसके अंदर मानव का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, लेकिन लेकिन प्रादेशिक विधि के अंदर ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जगह पर, यानी कि एक भौगोलिक इकाई पर, यह भौगोलिक इकाई है उत्तर प्रदेश, इस भौगोलिक इकाई के अंदर सभी सभी भौगोलिक तत्वों को क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है, ह्यूमंस किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करे, देखिए ज़्यादातर जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है वो होती है आर्थिक बेस पर, यानी कि ह्यूमंस ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी ही करता है, और ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर से नेचर को क्या करती है, बर्बाद करती है। जी हाँ, हम नेचर का भला किसी भी प्रकार से नहीं करते, बल्कि हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर को क्या करती है, तबाह करती है। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, इस विधि के अंदर, इस विधि के अंदर प्रदेश और मानव के बीच के अंतर संबंधों को भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशीकरण कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई प्रादेशिक विधि के अंदर आप सिर्फ एक भौगोलिक इकाई का ही अध्ययन कर सकते हैं, अब इस जब भी आप भौगोलिक इकाई का अध्ययन करेंगे तो फिर आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, बाउंड्री करनी पड़ेगी, उसकी एक सीमा निर्धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जमीन का तो कभी अंत है ही नहीं। मैं आपको अगर दिल्ली दूंगा तो अगर आपको पता ही नहीं होगा ये दिल्ली होगी, आपने उसका सीमांकन ही नहीं करा होगा, तो आप दिल्ली से कहाँ चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे, हरियाणा से पंजाब चले जाएंगे, तो ऐसे आप पूरा भारत ही घूम लेंगे, तो इस चीज़ का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसलिए इस विधि के अंदर किस चीज़ का होता है, इसमें प्रदेशों का सीमांकन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको उत्तर प्रदेश का मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताया था। चलिए फिर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि प्रादेशिक विधि क्या होती है, और इसके अंदर आप भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रादेशिक विधि का किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं भूगोल की शाखाएं। देखिए, अगर हम सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बात करें तो सभी सब्जेक्ट्स से क्या है, अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की अपनी कुछ सीमाएं हैं, इतिहास की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अगर हम भूगोल की बात करें, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो शाखाएं हैं, इसके जो हाथ हैं वो साइंस तक को घेरते हैं। देखिए, जब आप भूगोल के अंदर ऑनर्स सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, जब आप भूगोल के अंदर ऑनर्स सब्जेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको एक विषय पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, RS, रिमोट सेंसिंग आपको पढ़ाया जाएगा, और आप रिमोट सेंसिंग को पढ़ करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं MSc। ठीक है,
जिसके अंदर आपको साइंस की डिग्री मिलेगी और इसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भूगोल की जो शाखाएं हैं वो साइंस तक जाती हैं, ठीक है। और भूगोल की शाखाएं साइंस के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे विषयों के अंदर भी जाती हैं। चलिए फिर आइए जानते हैं कि जो भूगोल है वो किस तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इंटरलिंक करता है। पहले हम समझते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। देखिए, भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, इनमें से जो पहली शाखा है वो है भू आकृति विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप पढ़ते क्या हो, देखिए, जैसे कि मान के चलिए पृथ्वी का जो आकार है, मैं पृथ्वी के अंदर की बातें करूं, धरातल की बातें करूं, जैसे कि आपको कहीं पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं आपको घाटियां देखने को मिलते हैं, कहीं आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो पहाड़ों के जो आकार हैं, ये पहाड़ बने कैसे, हमारी घाटियां कैसे बनी, ठीक है, या फिर हमारे मैदान कैसे बने, आप भू आकृति की आप भू आकृति विज्ञान के अंदर ये सभी पढ़ते हैं। आपको भू आकृति विज्ञान के अंदर आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, आपको इसके अंदर भूकंप के बारे में पढ़ने को मिलता है कि भूकंप किस तरह से आते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलते हैं, आपको इसके अंदर मौसम से संबंधित घटनाएँ पढ़ने को मिलती हैं। अब जैसे कि मौसम से संबंधित घटनाएँ क्या होती है, जैसे कि आकाश के अंदर बिजली का कड़कड़ाना, ठीक है, या फिर बारिश होना, या फिर चक्रवात आना, साइक्लोन आना, जितनी भी ये मौसमी जो घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ आपको जलवायु विज्ञान के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। मृदा भूगोल के अंदर आपको पढ़ने को मिलता है मिट्टी के प्रकार, क्या पढ़ने को मिलता है, मिट्टी के प्रकार पढ़ने को मिलता है, और जो अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उनकी गुणवत्ता आपको पढ़ने को मिलती है, और इस गुणवत्ता के अनुसार बहुत सारे चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मोटा अनाज किस तरह की मिट्टी में उगता है, ये उगता है भाई हमारी लैटराइट मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो काली मिट्टी है, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, हमारी जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के अंदर किस प्रकार की चीज़ें उगती है, तो देखिए इसके अंदर आपको रुई यानी कि कॉटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। काली मिट्टी के अंदर रुई की पैदावार काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो इसके अंदर हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे मिट्टी के प्रकार है, उन मिट्टी की खासियत ऐसी होती है कि उनके अंदर अलग अलग तरह के फसलें उगाई जाती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर आप ज़्यादातर ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसका नाम ही है मानव भूगोल। इसके अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलता है, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसके अंदर आप जानेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें किस किस तरह की मुसीबतों से भविष्य में फेस करना पड़ेगा, और वर्तमान में हम किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये मानव भूगोल आप 12वीं क्लास के अंदर आप इसको पढ़ोगे। फिर है आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल के अंदर आप आर्थिक लेन देन पढ़ते हो, आर्थिक लेन देन। लेकिन अगर आप सिर्फ आर्थिक लेन देन पढ़ोगे तो ये हो जाएगी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। अगर ये इकोनॉमिक्स हो जाएगी फिर हम इसको भूगोल क्यों कह रहे हैं, तो देखिए जो आर्थिक लेन देन है, ये जो आर्थिक लेन देन आप पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे भूगोल के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, आप ये जो आर्थिक लेन देन पढ़ोगे ये पढ़ोगे भूगोल के परिप्रेक्ष्य में। तो इस चीज़ को हम आपको बाद में आगे चल के डीपली हम इसको यहाँ पर बताएंगे, अभी आप बस इसका नाम ही समझ लीजिए आर्थिक भूगोल, आपको ज़्यादा डिफाइन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐतिहासिक भूगोल हम क्यों कह रहे हैं। जैसे कि आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में आपने क्या पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि भाई जो जो ब्रिटिश कब आई, है ना, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को किस तरह से छोड़ा,
हमारे जो 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 फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने किस तरह से उनसे जंग करी, उनसे उनसे आंदोलन करे और किस तरह से हमने आज़ादी पाई, ये तो है इतिहास। लेकिन हम यहाँ पर ऐतिहासिक भूगोल को क्यों पढ़ रहे हैं, इतिहास इतिहास भूगोल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हो जा रहा है, तो आप यहाँ पर समझिए। देखिए आज के टाइम में जो पहाड़ है, पहाड़ वो कोई एकदम से नहीं बन गए हैं, इनको जो बनने की जो प्रक्रिया है वो कई करोड़ों साल तक चलती रही है, वो चलती रही है, इनको बनने में करोड़ों साल की प्रक्रिया के दौरान आज के ये पहाड़ बने हैं, ठीक है। अब आज के जो पहाड़ है उन प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमें इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तब इसी प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक भूगोल बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से सुनिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे जो पहाड़ बने हैं या फिर जो भूकंप आते हैं ये किस एक्टिविटी से आते हैं, ये आते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से आते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो जमीनों का जो निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, वो प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी से होता है। अब ये जो प्रक्रिया ये है करोड़ों साल की प्रक्रिया, अब ये जो प्रक्रिया करोड़ों साल का जब हम अध्ययन करते हैं तभी हम क्या बोलते हैं, इसको हम इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऐतिहासिक भूगोल, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। मैंने यहाँ पर नोट्स भी लिख रखे हैं, आप चाहो तो आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो भी लिखा हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम ऐतिहासिक भूगोल हम इसको क्यों बोलते हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज ये चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म, तो ऐसे और भी चैप्टर्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो फिर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।